सॉफ्टवेयर कंपनी को फाउंडर ली है। ओके हिंदी में बोल दो। ओके सो एक सर्वे किया गया है कि जितने भी लोग जिसको भी लॉटरी में पैसा आता है तो पैसे आने के 20 साल से 10 साल से 20 साल के बीच में भले उनको कितना भी पैसा आए लॉटरी में 1 लाख आए 1 करोड़ आए 10 करोड़ आए वो फिर जीरो पे आ जाते हैं। ये सर्वे हुआ है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंटिस्ट ने सर्वे किया है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक बार अकबर बीरबल के दरबार में बीरबल को सजा दी गई कि आपके कुछ उन्होंने प्रॉब्लम किया था तो उनको पनिशमेंट करना था, कुछ उनको पेनल्टी भरना था। तो उन्होंने अकबर ने बोला आप किसको भी ला लो वो जितना पेनल्टी बोलेगा मैं उतना पेनल्टी आपसे भरने लगाऊंगा। तो बीरबल बहुत स्मार्ट थे तो उन्होंने एक भिखारी को लेके गए और भिखारी अकबर के पास जाने के बाद बोलता है साहब इन्होंने बहुत मिस्टेक किया माफ़ कर दो इनको आप चारा ने पेनल्टी दे दो। चारा ने ठीक है सर जाने दो आठा ने पेनल्टी दे दो। तो अकबर ने जो बात बोली थी आठा ने उनको पेनल्टी दे दी। तो इसमें बाद में क्या समझ में आया कि बीरबल के पास करोड़ों रुपए थे, अकबर चाहते थे तो करोड़ों की पेनल्टी हो सकती थी, लेकिन जिसको ले गए उसका माइंडसेट चाराने के ही था, इसीलिए चाराने के पेनल्टी हुआ। मतलब क्या है कि सक्सेस हमारी जेब में नहीं हमारे माइंड में, तो पहले माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। लोग करोड़पति कैसे बनते हैं, बहुत धीरू भाई अंबानी जितने भी लोग करोड़पति कैसे बने, पहले जेब में पैसा नहीं था लेकिन माइंडसेट उनका करोड़पति का था। तो यहाँ पर हम पैसा नहीं देते, यहाँ पे आपका सक्सेस का करोड़पति का माइंडसेट तैयार करते। इसीलिए विनिंग टीम और वेस्टीज में आपको सिस्टम को फॉलो करना है तब आप करोड़पति बनोगे। थैंक यू।